झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी को 6 सीटें मिली हैं। चतरा से मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कोडरमा से सुभाष यादव आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। राजद ने देवघर से सुरेश पासवान को, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव को, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह को और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा, सीटों को लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और राजद की सीटों की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने भाजपा पर झारखंड को बर्बाद करने और संविधान विरोधी तथा आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को होंगे तथा मतगणना 23 नवंबर को होगी। इससे पहले कांग्रेस ने सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अजय कुमार और कुछ अन्य मंत्रियों को फिर से टिकट दी गई है। उरांव को उनकी मौजूदा लोहरदगा सीट से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अजय कुमार को जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। कुमार जमशेदपुर से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी को उनके वर्तमान क्षेत्र जामताड़ा से फिर से मैदान में उतारा गया है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की कोई ब्रांड वैल्यू यानी अहमियत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर 3 बार जाने के बावजूद वो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पर्याप्त सीट हासिल करने में नाकाम रहे। इससे पहले सीट शेयरिंग पर सहमति न बन पाने की वजह से 19 अक्टूबर को आरजेडी ने ऐतराज जताया था। आरजेडी ने इंडी गठबंधन की दो पार्टियों के बीच हुए सीट बंटवारे को एक तरफा फैसला बताया था। पार्टी ने यह भी कहा कि हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और सांसद मनोज झा ने कहा था कि सीट बंटवारे पर एक तरफा फैसला लिया गया है, हमसे इस बारे में कोई सलाह नहीं ली गई है। अलग अलग जिलों में हमारी मौजूदगी बहुत मजबूत है। हम अपने गठबंधन के साथियों से आग्रह करेंगे कि वे उसी हिसाब से फैसला लें। उन्होंने आगे कहा था कि हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद यहाँ हैं। सबके होने के बावजूद अगर आपने गठबंधन की प्रक्रिया में हमें शामिल नहीं किया तो ये दुख की बात है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमने 15 से 18 ऐसी सीटों की पहचान की है। कई जिलों में हम अकेले भी भाजपा को हराने में सक्षम हैं, लेकिन बाद में सहमति बनी और इंडी गठबंधन के तहत आरजेडी को 6 सीटें मिली। आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस और जेएमएम के बीच सहमति बनने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि इंडी ब्लॉक विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगा। कांग्रेस और जेएमएम 81 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि बाकी 11 सीटों के लिए गठबंधन सहयोगियों आरजेडी और वाम दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे और मतगणना 23 नवंबर को होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।